चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो बेटा हम कल जो पढ़े थे उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम, है ना। तो कल हमने पढ़े थे टीथ के बारे में, हमने जानकारी हासिल करी थी और पैपिला के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो चार प्रकार के पैपिला हमने देखे, उनका स्ट्रक्चर देखा है और टंग के फंक्शन देखे हमने। उसके बाद हमने टीथ देखे है, तो हमने ये देखा था कि मैन का जो टीथ होता है इट इज़ डायफोडोंट, थिकोडोंट एंड हेट्रोडोंट। ऐसे तीन कैटेगरी का वुमन का टीथ होता है। डायफोडोंट मतलब टू सेट ऑफ टीथ, वन इज मिल्क टीथ, अनदर वन इज परमानेंट टीथ। उसके बाद थिकोडोंट को हमने देखा था, थिकोडोंट इज द स्ट्रक्चर वेयर टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन। उसके बाद हमने ये देखा था हेट्रोडोंट, डिफरेंट साइज ऑफ टीथेस आर देयर, है ना। सो हमारे बॉडी में दो प्रकार के टीथ होते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ का नंबर होता है 20 नंबर एंड दे आर स्टार्ट टू इरोज आउट एट द एज ऑफ 24 मंथ एंड कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 6 ईयर। टोटल नंबर ऑफ मिल्क टीथ आर 20 में इंसीजर 8 होते हैं, कैनाइंस 4 होते हैं एंड मोलार 8 होते हैं, बट प्री मोलार आर स्ट्रिक्टली एब्सेंट इन द मिल्क टीथ। उसके बाद हमने परमानेंट टीथ को देखा, परमानेंट टीथ का नंबर होता है 32 में होता है इंसीजर 8, कैनाइन 4, प्री मोलार 8 एंड मोलार 12, इस प्रकार के टीथ होते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे टीथ के ऊपर एक हार्डेस्ट मटेरियल होता जिसको हम इनामेल कहते हैं, और ये इनामेल हमारे टीथ को क्या करता, कवर करता है। इनामेल फॉर्मेशन करने वाली जो सेल होती है दैट सेल इज कॉल्ड एज अमाइलोब्लास्ट, एंड डेंटाइन फॉर्मेशन करने वाली जो सेल होती है उसको हमने कहा है ओडोंटोब्लास्ट। द डेंटल फार्मूला हमने पढ़ा था, द डेंटल फार्मूला फॉर चिल्ड्रेन कैन बी रिटन एज 212/212 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 20। सिमिलरली द डेंटल फार्मूला फॉर अडल्ट पर्सन कैन बी रिटन एज 212/3/2123 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 32, है ना। उसके बाद कल हमने वाल्डियर रिंग पढ़ा था, सो व्हाट आर वाल्डियर रिंग, द लिम्फेटिक टिश्यूज एंड ओरल कैविटीज आर अरेंज इन अ रिंग लाइक मैनर, दैट रिंग लाइक मैनर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज वाल्डियर रिंग। वाल्डियर रिंग में हमने चार प्रकार के टॉन्सिल्स को देखा। पहला टॉन्सिल था हमारा फेरेंजियल टॉन्सिल, एक नंबर पे था फेरेंजियल टॉन्सिल। दूसरा नंबर का टॉन्सिल है जिसका नाम है ट्यूबल टॉन्सिल। थर्ड प्रकार का टॉन्सिल है जिसका नाम है पैलेंटाइन टॉन्सिल। एंड फोर्थ प्रकार का टॉन्सिल है लिंगवायल टॉन्सिल। ऐसे चार प्रकार के टॉन्सिल्स रिंग लाइक मैनर में प्रेजेंट होते हैं लिम्फॉइड टिश्यू और ओरल टिश्यू के अंदर, देन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वाल्डियर रिंग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा ये चार प्रकार के टॉन्सिल्स हैं हमारे शरीर में। तो फेरेंजियल टॉन्सिल का मतलब क्या होता, कहाँ रहते, कैसे रहते, क्या उनका फंक्शन है। ट्यूबल टॉन्सिल कहाँ रहते, कैसे रहते, क्या उनका फंक्शन है। पैलेंटाइन टॉन्सिल कहाँ रहते, कैसे है, क्या उनका फंक्शन है। ऐसा सीरियली हम एक एक टॉन्सिल को पढ़ लेते हैं, तब हमें समझ में आ जाएगा कि टॉन्सिल क्या प्रकार है, ठीक है। चलो पहला प्रकार का टॉन्सिल हम देख रहे हैं, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में आने वाला ये फेरिंग्स नाम का एक पार्ट है, उसके अंदर ये टॉन्सिल्स नज़र आते हैं। इसलिए फेरेंजियल टॉन्सिल को हम ऐसा कहेंगे कि ये हमारे फेरिंग्स का पहला हिस्सा है। देयरफॉर इट इज द
फर्स्ट पार्ट ऑफ फैरिंग्स, ठीक है। फैरिंग्स नाम का हमारा अलाइमेंट्री कैनल का दूसरा हिस्सा है और उसके अंदर ये हमारे क्या है, पार्ट है, फेरेंजियल टॉन्सिल। तो फेरेंजियल टॉन्सिल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ टॉन्सिल, ठीक है। कहाँ पर रहता है ये जो फेरेंजियल टॉन्सिल है, इट इज प्रेजेंट इन द फैरिंग्स, इट इज प्रेजेंट इन द फैरिंग्स। उसके बाद तीसरा कैरेक्टर, ये जो फेरेंजियल टॉन्सिल है, जब हम चिल्ड्रेन स्टेज में होते हैं तब ये थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता, मतलब साइज इसकी बढ़ जाती, और जब इनकी साइज बढ़ जाती है तो उस घटना को कहते हैं एडिनोइड्स। सो व्हाट आर एडिनोइड्स? ड्यूरिंग द चिल्ड्रेन स्टेज व्हेन द फेरेंजियल टॉन्सिल बिकम्स एनलार्ज, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एडिनोइड। इसलिए थर्ड कैरेक्टर, ड्यूरिंग चिल्ड्रेन स्टेज द फेरेंजियल टॉन्सिल्स, द फेरेंजियल टॉन्सिल्स बिकम्स एनलार्ज, becomes enlarged and called, फिर हम उसे कहेंगे adenoids। क्या कहेंगे उसको? adenoids, ठीक है। उसके बाद अब कभी कभार क्या हो जाता कि हमारे आजू बाजू के वातावरण में अगर फर्क आ गया, ज़्यादा हॉटेड एटमोसफियर था सडनली कोल्ड हो गया, कोल्ड था सडनली हॉट हो गया, या तो फिर हुमिड हो गया, या तो कभी कभार हमारे डाइट में चेंज आ गया, इसके कारण ये जो फेरेंजियल टॉन्सिल नाम का पार्ट है उसको इन्फ्लेमेशन आ जाता, उनको सूजन आ जाती, और उनको सूजन आने के बाद हमें रेस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी आती, रेस्पिरेशन में बाधा आ जाती। इसलिए फेरेंजियल टॉन्सिल्स व्हेन अफेक्टेड दे कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन इन द रेस्पिरेशन। इसलिए चौथा कैरेक्टर, व्हेन इट इज अफेक्टेड, व्हेन इट इज अफेक्टेड इट कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन इन द रेस्पिरेशन। यह हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फेरेंजियल टॉन्सिल्स। वर्ल्ड ईयर रिंग में रहने वाले ये पहला टॉन्सिल है, इसके इतने कैरेक्टर 1, 2, 3, 4। पहला कैरेक्टर, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। सेकंड, इट इज प्रेजेंट इन द फेरिंग्स प्रॉपरली। थर्ड कैरेक्टर, ड्यूरिंग चिल्ड्रेन स्टेज द फेरेंजियल टॉन्सिल्स बिकम एनलार्ज एंड कॉल्ड एडिनोइड्स। व्हेन द फेरेंजियल टॉन्सिल इज अफेक्टेड इट कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन इन द रेस्पिरेशन। जब इसको इन्फेक्शन हो जाता तो हमें रेस्पिरेशन में बाधा आ जाती हमारे, और हमारा रेस्पिरेशन सही ढंग का नहीं होता, हाल्टिंग रेस्पिरेशन होता, और इसीलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। देन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फेरेंजियल टॉन्सिल, है ना। टॉन्सिल का दूसरा हिस्सा है ट्यूबल टॉन्सिल, दूसरा पार्ट टॉन्सिल का, सेकंड पार्ट ऑफ टॉन्सिल्स, ट्यूबल टॉन्सिल, TUBAL, ट्यूबल टॉन्सिल्स।
देखो व्हाट आर ट्यूबरल टॉन्सिल, हमारा ये जो नोज है ये देखिए यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, ये हमारी नोज है और इस नोज के अंदर एक कैविटी है जिसको हम कहते हैं नेजल कैविटी, और इस नेजल कैविटी के अंदर ऐसी एक ट्यूब होती है, ये ट्यूब का नाम है इस्टाचियन ट्यूब, इस्टाचियन ट्यूब, और ये ट्यूब का कनेक्शन होता है हमारे मिडल ईयर से, ये हमारा यहाँ पर मिडल ईयर है, और जब इस्टाचियन ट्यूब का कनेक्शन मिडल ईयर से होता और उस टॉन्सिल को कहते हैं ट्यूबल टॉन्सिल, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। व्हाट आर ट्यूबल टॉन्सिल, व्हेन द इस्टाचियन ट्यूब प्रेजेंट इन द नेजल कैविटी अटैचेस विद द मिडल ईयर देन द पार्ट ऑफ टॉन्सिल्स आर कॉल्ड एज ट्यूबल टॉन्सिल्स। सो व्हाट आर ट्यूबल टॉन्सिल्स, व्हेन इस्टाचियन ट्यूब, when Eustachian tube attaches to the middle ear, attaches to the middle ear and called tubal tonsils, फिर वो tonsil को हम ट्यूबल टॉन्सिल कहेंगे। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब सीधी सी बात है, किसको अटैच है ये इस्टाचियन ट्यूब को, और इस्टाचियन ट्यूब किसको अटैच है मिडल ईयर को। इसका मतलब जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता तो उस समय हमें सुनाई कम देता है ना, या तो फिर मिडल ईयर में इंजूरी हो जाती और वो इंजूरी के कारण फिर हमें अंदर पेन होता ईयर के अंदर। सो ईयर के अंदर पेन हुआ मतलब क्या हुआ, ट्यूबल टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो गया है ना, ट्यूबल टॉन्सिल में बैक्टीरिया वायरस फंगस प्रोटोजोआ जाने के कारण वो जो कनेक्शन था दोनों के बीच का वो लूज हो गया, इसीलिए हमारा जो मिडल ईयर नाम का पार्ट है उसको इन्फेक्शन हो गया और हमें कोई भी साउंड सही ढंग का सुनाई नहीं दिया। सो सेकंड कैरेक्टर हम ये लिख सकते, द मेन फंक्शन ऑफ ट्यूबल टॉन्सिल इज दैट इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द मिडल ईयर, हमारा जो मिडल ईयर नाम का पार्ट है ईयर का उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। सो नेक्स्ट नंबर, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द मिडल ईयर, मिडल ईयर, हमारा जो मध्य कर्ण है, हमारे कान के तीन हिस्से होते हैं, ये एक्सटर्नल ईयर बाहर वाला इसको हम पिन्ना कहते हैं, उसके अंदर मिडल ईयर होता है और मिडल ईयर के अंदर इंटरनल ईयर होता है, ऐसे तीन पार्ट हमारे ईयर के होते हैं जो आपने पढ़ा होगा, नर्वस कंट्रोल नाम के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, सेंसरी ऑर्गन नाम का टॉपिक आपने पढ़ा है, आईज एंड ईयर, ये दोनों पार्ट आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने इसको ये वर्ड को छेड़ते हुए देखा होगा इस्टाचियन ट्यूब क्या है ना। सो द मेजर फंक्शन ऑफ द ट्यूबल टॉन्सिल इज दैट इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द मिडल ईयर। नेक्स्ट नंबर, अब जब ट्यूबल टॉन्सिल को इन्फेक्शन हो गया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इट अफेक्ट्स ऑन द हियरिंग फिनोमिनॉन। सो तीसरा कैरेक्टर, व्हेन इट इज अफेक्टेड, व्हेन इट इज अफेक्टेड इट कॉजेस impairment of
impairment of hearing, impairment of hearing. तो सुनाई नाम का हियरिंग नाम का जो मेकानिज़म है जिससे हम श्रवण करते हैं सुनते हैं उसमें इम्पेयरमेंट आ जाती, बाधा आ जाती, प्रॉब्लम आ जाता, उसको कहते ट्यूबल टॉन्सिल्स. ठीक है, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ मैं. पटा ट्यूबल टॉन्सिल, व्हेन द ईस्टाचियन ट्यूब अटैचेस टू द मिडल ईयर देन द पार्ट ऑफ द टॉन्सिल इज कॉल्ड एज ट्यूबल टॉन्सिल. सेकंड कैरेक्टर, the major function of the tubal tonsil is that it provides nourishment to the middle ear. Third character, when the tubal tonsil is affected, it causes the impairment of hearing phenomenon. Then the part is known as tubal tonsil. ठीक है, दो हो गए. Third type का जो tonsil है जो हमारे pharynx के अंदर होता उसका नाम है पैलेंटाइन टॉन्सिल, PALANTINE, पैलेंटाइन टॉन्सिल्स. किसे कहते पैलेंटाइन टॉन्सिल? देखो हमारे जो फैरिंग्स है तो फैरिंग्स में ओरल कैविटी नाम का एक पार्ट है, वहाँ पर अंदर वाले हिस्से में एक सॉफ्ट प्लेट नाम का पार्ट होता है और ये टॉन्सिल जब सॉफ्ट प्लेट को अटैच होती है ओरल कैविटी के अंदर की देन द टॉन्सिल इज कॉल्ड एज पैलेंटाइन टॉन्सिल. सो व्हेन टॉन्सिल इज अटैच to the soft plate of or soft palate of oral cavity is known as palatine tonsil. फिर हम उसे पैलेंटाइन टॉन्सिल कहते हैं. ठीक है, अब क्या हुआ, ये ऐसा टॉन्सिल है, ये यहाँ पर होता, देखो ये हमारा थ्रोट है ना, ये यहाँ पर ये होता है. सो इट इज़ लोकेटेड एट द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस. नेक्स्ट नंबर, इट इज़ लोकेटेड at the lower end of esophagus. ठीक है, उसके बाद अब यह ऐसा tonsil है कि इसको बार 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 infection होते रहता है. As the season changes, season change हो गया इसको infection हो जाता, diet में change हो गया, खान पान में बदलाव आ गया इसको infection हो जाता. इसलिए palatine tonsil is frequently affected due to change in the season as well as in diet also. इसलिए हम लिखेंगे it is frequently affected due to change in the season and diet. डाइट का मतलब खान पान. ठीक है, सो सीज़न चेंज हुआ, अभी समर सीज़न चेंज हुआ, रेनी सीज़न का स्टार्ट हुआ, रेनी सीज़न एंड हो जाएगा, विंटर सीज़न का स्टार्ट होगा. ऐसा जब जब भी सीज़न चेंज होता है तो हम खास खास करके इसको इन्फेक्शन हो जाता है.
और जब हमारा डाइट होता चेंज उस पर प्रकार भी इसको इन्फेक्शन होता है। इसलिए पैलेंटाइन टॉन्सिल ऐसा टॉन्सिल है कि इट इज़ फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब बार बार, इट इज़ फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड ड्यू टू द चेंज इन द सीजन एंड डाइट ऑल्सो, है ना। अब क्या होता अगर बार बार इसको इन्फेक्शन हो रहा है और लगातार पेशेंट को इसकी तकलीफ है, तो उस समय डॉक्टर हमको कहते हैं कि आपको इसकी सर्जरी करनी होगी और सर्जरी कर इसको रिमूव करना होगा, निकालना होगा। और जब हम सर्जरी के द्वारा पैलेंटाइन टॉन्सिल को रिमूव करते हैं तो उस सर्जरी को कहते हैं टॉन्सिलोक्टॉमी, है ना। इसलिए हम लिखेंगे सर्जिकल रिमूवल ऑफ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैलेंटाइन टॉन्सिल, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैलेंटाइन टॉन्सिल इज नोन एज टॉन्सिलोक्टॉमी, टॉन्सिलोक्टॉमी। यह हो गया हमारा तीसरे नंबर का टॉन्सिल, जो हमारे फैरिंग्स का एक महत्वपूर्ण तीसरे नंबर का पार्ट माना जाता है। अब हमारी फैरिंग्स के अंदर चौथे नंबर का टॉन्सिल हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है लिंगवायल कैंसिल। फोर्थ नंबर का टॉन्सिल वी हैव टू स्टडी एंड दैट काइंड ऑफ टॉन्सिल इज लिंगवायल टॉन्सिल्स। लिंगवायल टॉन्सिल्स, लिंगवायल टॉन्सिल, इसको लिंगवायल टॉन्सिल इसलिए कहा गया कि इट इज क्लोजली अटैचेस विद द टंग, हमारी टंग से इसका एसोसिएशन बहुत क्लोज होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिंगवायल टॉन्सिल। इसलिए पहला कैरेक्टर, इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द टंग, हमारे टंग के साथ इसका क्लोज एसोसिएशन होता है, ठीक है। उसके बाद अब सीधी सी बात है, फिर टंग के साथ एसोसिएशन है तो जब इसको इन्फेक्शन हो गया तो क्या प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम यह आएगा कि हमें कोई प्रकार का फूड आइटम का टेस्ट समझ में नहीं आएगा, वी आर टोटली लूजिंग आउट ऑफ ऑल द सेंसेशन ऑफ टेस्ट, ना बीटर, ना सोअर, ना स्वीट, ना पंजेंट, कोई प्रकार का टेस्ट हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेकंड कैरेक्टर, ड्यूरिंग इट्स इन्फेक्शन, वी लूजेस पावर ऑफ सेंसेशन ऑफ फूड आइटम्स, फूड आइटम का सेंसेशन का जो पावर होता वो हम गंवा बैठते, खो बैठते हैं जब इसको इन्फेक्शन हो जाता है तब, ठीक है। ये हो गया वाल्डियर रिंग, वाल्डियर रिंग के अंदर के चार प्रकार के टॉन्सिल्स, चार प्रकार के टॉन्सिल का उनका स्ट्रक्चर, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वाल्डियर रिंग है कहाँ रहती है, तो फैरिंग्स के अंदर, मतलब अलाइमेंट्री कैनाल का दूसरा हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया, माउथ हो गया और फैरिंग्स हो गया। अब हम देख लेते हैं कि फैरिंग्स का क्या फंक्शन है। सो फंक्शन ऑफ फैरिंग्स, फंक्शन ऑफ फैरिंग्स,
functions of pharynx. सबसे पहला फंक्शन देखो, अभी अभी हमने पढ़ा वाल्डियर रिंग कहाँ रहती है, फैरिंग्स के अंदर। इसका मतलब फैरिंग्स से ऐसा पार्ट है हमारे अलाइमेंट्री कैनाल का कि जिसके अंदर चारों प्रकार के टॉन्सिल का वो साइट है। इसलिए पहला फंक्शन इट प्रोवाइड्स साइट्स फॉर द फोर टाइप ऑफ टॉन्सिल्स, चारों प्रकार के टॉन्सिल्स को साइट प्रोवाइड करने का मुख्य कार्य फैरिंग्स किया होता है या करता है। दूसरा फंक्शन, अब ये जो टॉन्सिल है ये क्या काम करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टॉन्सिल प्रॉपर। तो टॉन्सिल का फंक्शन ये होता है, टॉन्सिल आर यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी निर्माण करने का काम करता है, और वही एंटीबॉडी के सहारे हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाती है, जिसको हम प्रतिकार शक्ति कहते हैं, प्रतिकार यंत्रणा कहते हैं। इसका मतलब टॉन्सिल्स आर यूजफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी पावर बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, है ना। इसलिए सेकेंड फंक्शन, टॉन्सिल्स आर यूजफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी पावर बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। दो फंक्शन हो गए। तीसरा फंक्शन फैरिंग्स का, फैरिंग्स ए अलाइमेंट्री कैनल का ऐसा हिस्सा है कि जहाँ से फूड और एयर, हवा और हमारा फूड, ये एंटर होने का ओनली वन पैसेज इज देयर। ऐसा एक ही पैसेज है कि जहाँ से फूड की भी एंट्री होती है बॉडी में और एयर की भी एंट्री होती है। इसलिए हम ऐसा कहेंगे द थर्ड फंक्शन ऑफ द फैरिंग्स इज दैट फैरिंग्स इज कॉमन पाथवे फॉर द एंट्री ऑफ फूड एंड एयर। ये दोनों चीज़ का एंट्री होने का एक प्रमुख गेट है, प्रमुख चैनल है, प्रमुख रास्ता है, प्रमुख पाथवे है। सो दीज आर द मेजर फंक्शन ऑफ फैरिंग्स। ठीक है, ये हो गया अलाइमेंट्री कैनल का दूसरा पार्ट। हमारा अभ्यास चल रहा है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, मानव की पाचन शक्ति कैसी होती है उसका हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमने ये देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट आते, अलाइमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो हमने अलाइमेंट्री कैनल को स्टार्ट किया। अलाइमेंट्री कैनल में कुल मिलाकर 6-7 पार्ट आते हैं, माउथ हो गया, फैरिंग्स हो गया। तीसरा पार्ट है अलाइमेंट्री कैनल का जिसका नाम है इसोफेगस। द थर्ड पार्ट ऑफ अलाइमेंट्री कैनाल इज इसोफेगस। इसोफेगस देखिए कहाँ होता है इसोफेगस, आपको मैं बता रहा हूँ, डायग्राम में आप देख लीजिएगा।
ये हो गया फैरिंग्स, फैरिंग्स के बाद ये इधर हमारा ईयर, और यहाँ